आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि OBS स्टूडियो के अंदर कैसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने PC पर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करके अपने PC की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, या फिर आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हो, यानी आप कोई ट्यूटोरियल दे रहे हो, कोई क्लास वगैरह ले रहे हो, ऐसे में आपको स्क्रीन में जूम इन जूम आउट करने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर इसे मैं अगर जूम करना चाहूं तो बहुत आसानी से मैं जूम कर सकता हूं। जैसे ये वाला हेलो फ्रेंड्स करके आ रहा है, इसे मैं जूम करना चाहता हूं तो आप देख सकते हो पूरी तरह से क्लियर ये जूम हो चुका है। और जहां भी मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा, ये पूरी इस तरह से पूरा जूम होके आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हो आप, सारा क्लियर हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे अगर जूम आउट करना है तो सिंपल मैं इसे जूम आउट कर सकता हूँ। और किसी भी पोर्शन को, मान लो ये जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, कम्युनिटी दिखाई दे रही है, इसे मुझे दिखाना है अपने दर्शकों को, तो मैं सिंपल यहाँ पर इसे जूम करूंगा। ये देखिए क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही आसान है OBS के अंदर, आप चाहे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो या रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। OBS स्टूडियो में ऐसा कोई भी फीचर डिफॉल्ट में नहीं होता है, इसके लिए आपको एक छोटी प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस प्लगइन वाला जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप OBS स्टूडियो की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आप देख सकते हैं OBS Lua Zoom 2 Mouse 1.0.1, ये वाली प्लगइन आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहां पर गो टू डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, गो टू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा OBS Zoom 2 Mouse, यहाँ आप देख रहे हो OBS Zoom 2 Mouse.lua, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक छोटी सी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो OBS Zoom 2 Lua, ये एक तरह का फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ फोल्डर पर क्लिक करना है। ये फाइल हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस फाइल को कहीं ऐसी जगह आपको सेव कर देना है जो ये फाइल आपको याद रहनी चाहिए कहाँ पर आपने इसे सेव किया है, और ये कभी डिलीट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के ऊपर इस फाइल को सेव कर दिया है। उसके बाद इसे बंद कर देंगे और वापस जाएंगे अपने OBS स्टूडियो पर। तो हम वापस आ चुके हैं अपने OBS स्टूडियो पर। OBS में आप ऊपर की साइड देखोगे, यहाँ पर एक टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, टूल्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस तरह से एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको नीचे की साइड यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखाई देगा, प्लस पर क्लिक कर दीजिए। और जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की थी वो आपने कहाँ पर सेव की है, उस फाइल को आपको सर्च कर लेना है। तो मैंने इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था, इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर ये है हमारी फाइल OBS Zoom 2 Mouse Lua, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करोगे, इस साइड आपकी फाइल की सारी डिटेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जूम सोर्स, सबसे पहला जो ऑप्शन है जूम सोर्स का ऑप्शन है। यहाँ पर जब आप एरो पर क्लिक करोगे तो जो भी आपके डिस्प्ले आपने कनेक्ट कर रखे होंगे वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैंने अपने PC से यहाँ पर 3 डिस्प्ले कनेक्ट कर रखे हैं, एक डिस्प्ले कैप्चर 1 और डिस्प्ले कैप्चर 2 और डिस्प्ले कैप्चर 3। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले कैप्चर 1 को रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर सिलेक्ट कर लूँगा, यानी मैंने दूसरा मॉनिटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, मॉनिटर नंबर 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश जूम सोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जूम फैक्टर यहाँ पर ऑलरेडी 2 पर सेट हो रखा है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से आप जूम स्पीड सेट कर सकते हो, आपको स्पीड कम रखनी है ज़्यादा रखनी है वो यहाँ सेट कर सकते हो। उसके अलावा ऑटो फॉलो माउस का ऑप्शन आ रहा है, इसे हमने यहाँ पर टिक कर रखा है, यानी जहाँ पर भी अपने माउस को मूव करेंगे तो ये हमारा जूम इन जूम आउट का जो फीचर है साथ साथ मूव होगा। ऑटो फॉलो माउस, यानी आपके माउस का जो कर्सर है उसे ये फॉलो करेगा। उसके बाद यहां पर फॉलो स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, लॉक सेंसिटिविटी का ऑप्शन आ रहा है, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको यहां पर अभी कुछ भी नहीं छेड़ना है, सब कुछ आपको ऐसे ही रखना है और उसके बाद एक बार चेक कर लेना है। ये हमारी सेटिंग यहां पर ऑलरेडी अपने आप सारी सेटिंग हो रखी है। उसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है, तो ये फीचर हमारा यहां पर अब एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा डिस्प्ले कैप्चर ये शो हो रहा है, इस समय हम इसे जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते।
अब ये जो प्लगइन हमने इंस्टॉल की है उसे हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ना हॉट कीज बना दूंगा। दो हॉट कीज हम यहाँ पर बनाएंगे OBS में। यहाँ पर सेटिंग्स का बटन आ रहा है, सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ हॉट कीज का ऑप्शन आ रहा है, हॉट कीज पर क्लिक कीजिए। अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, टॉगल जूम टू माउस। यहाँ आ रहा है टॉगल जूम टू माउस, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है टॉगल फॉलो माउस ड्यूरिंग जूम। तो यहां पर सिंपल टॉगल जूम टू माउस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम जेड वाले बटन को सेट कर देते हैं। जेड वाला जो हमारा बटन है वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, यानी जब भी मैं जेड बटन दबाऊंगा तो हमारा वो पोर्शन जूम हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा, और दोबारा से मैं जेड दबाऊंगा तो वो जूम आउट हो जाएगा। इसके अलावा फॉलो माउस वाला जो ऑप्शन है, फॉलो माउस वाला ऑप्शन हमें एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्स का बटन प्रेस कर देता हूँ, यानी जब भी मैं एक्स बटन दबाऊंगा तो हमारा जो कर्सर है वो उसे फॉलो करेगा, और अगर हमें जेड दबाऊंगा तो हमारा इस तरह से करेगा। ये दो ऑप्शन हो गए, दो कीज आपको यहाँ बना देनी है, उसके बाद सिंपल आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। बस हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, प्लगइन हमारा आसानी से काम करेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रही है काफी छोटी छोटी दिखाई दे रही है। अब मुझे मान लो इसे जूम करना है, तो यहाँ पर मैंने कर्सर अपना लेके आया, उसके बाद सिंपल मुझे जेड का बटन प्रेस कर देना। जैसे ही मैं जेड का बटन प्रेस करूंगा, ये आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर जूम हो चुका है। तो जैसे मैं अपने माउस को इधर उधर मूव करा रहा हूँ तो आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन इस तरफ मूव हो रही है, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्मूथली यहां पर मूव हो, तो वो भी हम सेटिंग यहां पर थोड़ी सी चेंज कर देंगे। अब जूम आउट करना है तो जूम आउट के लिए जेड दबा दो एक बार, फिर से ये वापस आ जाएगा। और एक बार वापस हम चलते हैं इसकी स्क्रिप्ट में, ऊपर टूल्स पर आपको जाना है, थोड़ी सेटिंग्स में आपको बता देता हूं जिससे थोड़ी अच्छी सेटिंग्स यहां पर हो जाएगी। स्क्रिप्ट्स पर क्लिक करो तो यहां जो जूम फैक्टर है ये 2.00 है, मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इसको हम कर देते हैं 2.50। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा जो जूम स्पीड है, जूम स्पीड हम 0.06 ही रहने देते हैं। उसके बाद यहां पर फॉलो स्पीड यहां पर थोड़ी सी ज्यादा थी, मैं इसे कम कर देता हूं, थोड़ी सी कम कर देते हैं स्पीड, जिससे हमारा स्मूथली ये मूव करेगा। 0.11 कर देता हूं, ठीक है, आप भी अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कर सकते हो। और उसके बाद जो फॉलो बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं बढ़ा देता हूं, इसे मैंने 20 कर दिया। लॉक सेंसिटिविटी यहां पर 4 ही रहने देते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ सेटिंग्स यहां पर चेंज कर दी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी सेटिंग्स। आप ये वाली जो मैंने करी है ये रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। उसके बाद सिंपल क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अब आप फिर से एक बार जेड का बटन हम प्रेस करेंगे, यहां पर मैंने जेड का बटन प्रेस किया, ये जूम हो गया। अब उसके बाद मैं कर्सर को यहां मूव करा रहा हूं तो आप देख सकते हो काफी स्मूथली यहां पर मूव हो रही है, पूरी स्क्रीन यहां पर मूव हो रही है। अब आप चाहते हो जैसे ये वाला पोर्शन हमारा यहां पर आ गया, ठीक है, हमने यहां पर मूव किया और हम यहां पर आ गए। अब हम यहां पर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे माउस के साथ ये फिलहाल इधर उधर मूव ना हो, तो उसके लिए सिंपल आप यहां एक्स का बटन प्रेस कर दो। जैसे एक्स पर क्लिक करोगे ये स्क्रीन यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, और उसके बाद आप आराम से जो कुछ भी यहाँ एक्सप्लेन करना है वो आप एक्सप्लेन कर लीजिए। अब आपको इसे जूम आउट करना है तो फिर से जेड का बटन दबा दो, वापस चली जाएगी, फिर से जेड दबाओगे यहाँ पर वापस जूम हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आपको इसे मूव कराना है तो इस तरह से मूव करा सकते हो, और एक्स के बटन से जो एक्स का बटन हमने बनाया है उससे आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। जैसे अभी कर्सर जो है जहाँ भी हम माउस मूव कर रहे हैं तो स्क्रीन भी हमारी पूरी मूव हो रही है। अब मैं चाहता हूँ, मान लो ये शॉर्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, स्क्रीन को मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, तो एक्स का बटन दबा दूंगा, ये हमारा यहाँ पर रुक गया। अब मैं माउस अगर इधर उधर कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन मूव नहीं हो रही है। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि कितना जूम आप करना चाहते हो, कितना बड़ा करके आप दिखाना चाहते हो, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने OBS स्टूडियो के अंदर जूम इन जूम आउट का फीचर इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो। जूम इन जूम आउट का ये फीचर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।